जनपद फरुखाबाद कस्बा शमशाबाद में ब्राह्मणों सहित 79% गैर दलितों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी एक्शन पार्टी। जी हां, आपको बता दें कि जनपद फरुखाबाद कस्बा शमशाबाद में एक्शन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अनुराग एम सारथी ने कस्बा स्थित गंगा रोड गेस्ट हाउस में क्षेत्रीय जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने गहरी साजिश के तहत डिवाइड एंड एकल के लिए SC/ST एक्ट बनाकर दलित और गैर दलित में बांट दिया है। एक्शन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र मिश्रा के निर्देश अनुसार पिछले 7 दिन साय जन संवाद यात्रा प्रदेश के अनेक जनपदों से होकर फरुखाबाद जनपद के प्राचीन ऐतिहासिक राजा खोर की नगरी कस्बा शमशाबाद से की जा रही है। इस मौके पर शमशाबाद नगर अध्यक्ष शेखू मंसूरी व सचिन शुक्ला, अशोक शर्मा, राशिद सिद्दकी, विशाल शर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों ने पावन गंगा मैया के ढाई घाट से पहुंचकर मालार्पण किया। उपरांत में डॉक्टर उमेश चंद्र त्रिपाठी प्रेम त्रिपाठी के आवास पर पहुंचकर अनेक परिजनों से भेंट की। इस पीड़ा को लेकर के हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं अपने चेयरमैन माननीय रविंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में। इन्होंने स्पष्ट तौर पर हमारी सरकार की मंशा है कि जो सवर्ण बैकवर्ड मुस्लिम सिख बिरादरी का लगातार शोषण कर रही है, और हम इन लोगों की लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं, इन लोगों के लिए संघर्ष करते चले आ रहे हैं। जब तक हरिजन एक्ट कानून नहीं हट जाएगा तब तक हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रविंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में। हम 7 दिवसीय जनसंवाद यात्रा पर निकले थे, उसमें सैकड़ों कार्यक्रम थे उत्तर प्रदेश में। आज 6ठा दिन है, आज हम शमशाबाद में हैं। जी, ये पार्टी भी पत्रकारों की है, और कहीं भी जाएं, कोई भी प्रोग्राम हो, छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, कि हर आदमी कहता है कि बॉस मामला जमा देना, पत्रकार यूज एंड थ्रो, जहां देखो पत्रकार मारा जा रहा, हत्याएं हो रही, किसी ने पत्रकार के बारे में कुछ नहीं सोचा। ये पार्टी भी सर पत्रकारों की ही है, आप क्या सोचते हैं पत्रकारों के बारे में? स्पष्ट तौर पर मैं बता देना चाहता हूं, अभी तक जितने भी राजनीतिक दल आए हैं उन्होंने सिर्फ पत्रकारों को यूज एंड थ्रो करने का काम किया है। जैसे RSS ने BJP बनाई थी, वैसे ही पत्रकारों ने एक्शन पार्टी बनाई, यानी ऐपजा ने एक्शन पार्टी बनाई है। ऐपजा हमारा एक्शन पार्टी का जनक है, 20 साल पुराना संगठन है, तमाम जगह हमारी कमेटियां हैं, हजारों लाखों लोग ऐपजा में जुड़े हुए हैं। हम पत्रकारों के लिए सुरक्षा के लिए बाकायदा जिस दिन एक्शन पार्टी सत्ता में आएगी पत्रकारों को सब्सिडी युक्त लाइसेंसी सलाह उपलब्ध कराने का काम करेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिस तरीके से टैक्स ले रही है उसमें टैक्स में छूट कराने का काम करेंगे, जिसमें 100 रुपये की पेट्रोल सबको मिलती है, हमारे पत्रकार को 50 रुपये में मिलने का काम करेंगे, इससे हमारा पत्रकार समाज मजबूत होगा। इस तरीके से तमाम सुख सुविधाएं की बात हमने पत्रकार समाज के लिए की है, और गैर दलित समाज के लिए हरिजन एक्ट जो कानून बनाया है उसमें 21% के लिए आपने 79% का गला काट देने का काम किया है। मान्यवर, हम इसके खिलाफ हैं और लगातार काम करते रहेंगे, और उत्तर प्रदेश की जनता को ये बताते रहेंगे कि जो हरिजन एक्ट के पक्षधर प्रत्याशी अगर आपके बीच में आते हैं तो उनको वोट करने का काम नहीं करें, नहीं तो अपने जेल जाने का रास्ता खुद चुनने का काम वोटर करेगा। एक्शन पार्टी आज विलय है BJP में, आज विलय समर्पित पार्टी है, और हमारे विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, क्या हमारी नहीं सुनी जा रही है वहाँ पर? देखिए, एक्शन, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि एक्शन पार्टी भाजपा के साथ विलय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, सहयोगी दल है। हम जिस समय सहयोग में गए थे, हमने सरकार को जो समर्थन पत्र दिया था उसमें बाकायदा ये दोनों चीज़ें लिख के दी थी कि हमें इन पर काम चाहिए। सरकार के लोगों ने हमें आश्वासन भी दिया था, 2 साल हो गए सरकार बने, अभी तक उस पर ढाक के 3-5 जैसी स्थिति है, इसलिए हमें पब्लिक में जा करके अपनी बात बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 7 दिवसीय जनसंवाद यात्रा इसीलिए हम लोगों ने निकाली है, सैकड़ों कार्यक्रम इसीलिए किए हैं कि सरकार बात सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि 1-2% वोट बैंक के लालच में वो सवर्ण बैकवर्ड मुस्लिम और सिख सबका गला कटवा देना चाहते हैं। उनके लिए कोई माने नहीं रखता, मान्यवर, उनके लिए कोई माने नहीं रखता, केवल 1-2% के घुटने टेक देंगे उनके आगे, और 79% को जलते हुए आग में ढकेल देना चाहते हैं। हम जलते हुए आग से बचाना चाहते हैं सभी साथियों को, अभी संभल जाओ नहीं तो गैर दलित खत्म हो जाएगा हमारे देश। बहुत बहुत धन्यवाद।